दोस्तों, आप सबको डॉक्टर एन के शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। द अवेकनिंग कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर कार्यक्रम में हम आपकी आँख खोलते हैं, आपके भ्रम मिटाते हैं, आपको अंधविश्वासों से बाहर निकालते हैं, ताकि आप अपने जीवन के भाग्य विधाता बन सकें और सदियों पुराने जो हमारे साथ जो अज्ञानता चली आ रही है, उस अज्ञानता से हम हमेशा के लिए मुक्ति पाएँ। तो आज का हमारा बहुत ही जरूरी विषय है, और वो विषय है, कौन बनाता है भाग्य, आप स्वयं या भगवान। संसार में बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति होंगे जो भाग्य जैसे शब्दों को अपने जीवन में बहुत कम महत्व देते हैं। प्राय सभी यही मानते हैं कि उनके भाग्य को लिख दिया गया है, उसी अनुसार समयानुसार फल मिलते चले जाएंगे। और भारत में तो हर व्यक्ति के ज़ुबान पर ये कहावत ही है कि होई वही जो राम रचि राखा। भाग्य के बारे में ऐसे अनेकों जुमले हम हर मुंह से सुनते ही चले जा रहे हैं। कौन लिखता है हमारा भाग्य? कौन है हमारा भाग्य विधाता? किसको रुचि है इस संसार में हमारा भाग्य लिखने की? सदियों से प्रचलित इस रहस्य पर से पर्दा हटाते हैं और जानेंगे वो ठोस अटल सत्य जिससे हम बन सकते हैं स्वयं अपने भाग्य विधाता और मुक्त हो सकते हैं एक घातक अंधविश्वास से। आपका भाग्य लिखने में ईश्वर को कोई रुचि नहीं है। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, आपका भाग्य लिखने में ईश्वर को कोई रुचि नहीं है भाई। सभी लोग अधिकतर यही सोच रखते हैं कि आसमान में एक भगवान नामक शरीरधारी व्यक्ति बैठा हुआ है और वो अपनी मर्जी अनुसार हर एक का भाग्य लिख लिख कर संसार में भेजता रहता है और उसी के अनुसार मानव सुख दुख अमीरी गरीबी को भोग रहा होता है। तो पहले हमें ईश्वर के बारे में ये धारणा स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि ईश्वर कोई व्यक्ति का स्वरूप नहीं है जो निर्णय लेता है। सारे संसार में फैले ऐश्वर्य को हम ईश्वर के नाम से पुकारते हैं। ईश्वर कानून बनाकर हमेशा के लिए सो गया, उसका कानून धरती की तरह है। मैंने उसको कविता में ऐसे लिखा है कि धरती को क्या बीज से नाता, जैसा बीज को बोया जाता उसी स्वभाव गुण धर्म को लेकर कड़वा मीठा फल बन जाता। कुदरत का कानून है धरती, कर्म तुम्हारे बीच, एक बीज के फल हजार हैं, हजार फलों के लाखों बीज। कहे नंद नहीं कोई जगत में नरक स्वर्ग को देने वाला, नर्ग स्वर्ग हम स्वयं रचते, पल पल जैसा बीज को डाला। आहार व्यवहार विचार से हर पल बीज जो बोए, पल पल फल बनता गया अचानक कुछ ना होए। कहे नंद जागे रहो सचेत रहो हर पल, इस पल बोया बीज ही फल लाएगा कल। आपके जीवन से ईश्वर को कोई मतलब नहीं। आप चाहें तो 24 घंटे सिर्फ फोड़ फोड़ कर रोते रहें, चीखते रहें, चिल्लाते रहें, तो ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो हर पल हंसते गाते नाचते रहे, तो ईश्वर कहता है तेरी मर्जी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ फल खाकर 500 साल जी लें तो आपकी मर्जी, आप यहाँ तंबाकू खाकर कैंसर से मर जाएं तो आपकी मर्जी। ईश्वर कहीं भी बीच में नहीं है, यह आपका चुनाव है। इसीलिए ईश्वर को दोष मत देना, तुम्हें यह निर्णय करना ही पड़ेगा कि तुम कैसा जीवन जीना चाहते हो। तुम्हारा चुनाव करने में ईश्वर कहीं भी बीच में नहीं आता। तुम घर में फूल लगाकर बगीचा बनाओ तो तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है, तुम योग व्यायाम ध्यान करो तो तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है, और तुम वासनाओं और शराब में डूबे रहो तो तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है। तुम सारी धरती को अफीम गांजे तंबाकू की खेतियों से भर दो तो ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहो तो धरती को गुलाब और फलों से लाद दो तो ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव हम करते हैं, ईश्वर नहीं। इसलिए ईश्वर को कभी भी बीच में ना लाएं। तो फिर कौन लिखता है हमारा भाग्य? हम लिखते हैं अपना भाग्य। हर पल हर क्षण हम करते हैं अपने जीवन का निर्माण। कैसे? जब हम पैदा होते हैं तो हम बिल्कुल एक शुद्ध पवित्र निर्मल आत्मा होते हैं। फिर हम होश या बेहोशी में जो भी भावात्मक या मानसिक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करते हैं, उनकी सकारात्मक या नकारात्मक तरंगे
हमारी आत्मा के चारों ओर संस्कार निर्मित करती है। हम जब मर जाते हैं तो भौतिक शरीर हमारा नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह केवल एक वाहक या हमारे द्वारा पैदा की गई सूक्ष्म भावात्मक एवं मानसिक तरंगों संस्कारों के रूप में आत्मा के साथ अगले जन्म में यात्रा करती है। उसी अनुसार हमारा स्वभाव, हमारी आदतें, हमारे आकर्षण विकर्षण हम पहले ही अपने साथ ला चुके होते हैं। उसमें फिर हम अपने वर्तमान जीवन में होश या बेहोशी में चुनाव कर घटा बढ़ा रहे होते हैं। अगर आप पहले की तरह ही बेहोशी में अपना जीवन जिए चले जा रहे होते हैं तो आपका भविष्य ठीक उसी अनुरूप बनता चला जाएगा। अगर आप जाग गए, प्रकृति के नियमों को पहचान गए, तो अब आप अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार जैसा भविष्य चाहते हैं वैसा निर्मित कर सकते हैं, क्योंकि अब हर पल का बीज आपके हाथ में है। आप होश में डाल रहे हैं, इसलिए आप उसके विधाता हैं, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। आप आने वाले प्रतिफल को सहर्ष स्वीकार करेंगे, आपके पास फिर ऐसा क्यों शब्द नहीं होगा। मानव की खोज ईश्वर की नहीं, सत्य की है, प्रकृति के नियमों की है। बेहोश व्यक्ति का भाग्य उसके हाथ में नहीं होता, जागे हुए प्रबुद्ध व्यक्ति का भाग्य उसके ही हाथ में होता है। वह जिस तरफ चाहे भाग्य की गाड़ी को मोड़ सकता है। जागा हुआ पुरुष अपनी गाड़ी का खुद ड्राइवर होता है और बेहोश व्यक्ति बगैर ड्राइवर के नाविक के भाग्य के हाथों इधर उधर बह रहा होता है, क्योंकि वह बेहोशी में प्रकृति के विपरीत जी रहा होता है। इसीलिए भाग्य बदलने का एक ही अचूक मार्ग है, जागो, होश में आओ, प्रकृति के नियमों को पहचानो, सत्य के साथ जुड़ जाओ। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि भाग्य और विल पावर में क्या अंतर है और इन दोनों में क्या जुड़ाव है। अब तक आपने जो कमाया वह आपका भाग्य, आगे आप चाहें तो इच्छा शक्ति का उपयोग कर अपनी मर्जी अनुसार अपना भाग्य बदल सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति बनाती है आपका भाग्य हर पल। हम अपनी इच्छा शक्ति को तब कमजोर करते हैं जब हम ऐसी गलत धारणाओं को स्थायी रूप से अपने साथ जोड़ लेते हैं कि भाग्य में होगा तो मिल ही जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। भाग्य और समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता, होई वही जो राम रचि राखा। ये सभी शब्द ऐसे अपने अज्ञानता के कारण हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें प्रकृति के नियमों की जानकारी नहीं होती। इसलिए हम परमात्मा और भाग्य पर सब छोड़ देते हैं या हम उन्हें जिम्मेवार मानते हैं। भारत की बर्बादी की जड़ भाग्यवादिता। हाँ दोस्तों, भारत की बर्बादी की जड़ भी हमारी भाग्यवादिता है। भारत के हर व्यक्ति के नस नस में भाग्यवादिता कूट कूट कर भरी हुई है। इसके लिए बहुत बड़े जिम्मेदार है हमारे महात्मा, संत और ज्योतिष, ऐसे सारे इस तरह के वर्ग। बहुत कम ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने मानव को भाग्यवादिता से ऊपर उठने की प्रेरणा दी, जैसे बुद्ध, महावीर, कृष्ण, नानक, ओशो इत्यादि। जापान, अमेरिका, यूरोप पर ईश्वर की क्या ज़्यादा मेहरबानी है? इसलिए सारे सर्वश्रेष्ठ रिसर्च, अध्ययन, आविष्कार, संपन्नता, प्रगति उन्हें दे दी और भारत के साथ पक्षपात कर दिया। जो देश ईश्वर को इतना ज़्यादा मानता है वह इन सब से इतना पिछड़ा हुआ है कि हम आज रोटी, कपड़ा और मकान से ऊपर सोच ही नहीं पाते हैं। अच्छी समृद्धि से हम कोसों दूर है। क्या ग्रह निश्चित करते हैं हमारा भाग्य? नहीं दोस्तों, इस संसार में हर एक वस्तु, चाहे वह ग्रह हो, पेड़ पौधा हो, मानव हो, खनिज तत्व हो, सब अपनी अपनी तरंगों से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से केवल नवग्रहों से नहीं, संपूर्ण तारामंडल से प्रभावित होते हैं। नवग्रह तो ब्रह्मांड का 2% हिस्सा भी नहीं है। तो क्या ये सब हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं, निर्मित करते हैं? जी नहीं, ये आपका भाग्य का निर्माण नहीं करते। ये तो अपने स्वाभाविक रूप से अपनी धुरी पर घूम रहे होते हैं, जिससे पूरे वातावरण में एक सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जाओं का उतार चढ़ाव चलता रहता है। जब हमारी अपनी ही शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, आत्मिक ऊर्जाएं प्रबल होती है तो फिर हमें बाहरी कोई भी तरंगे
प्रभावित नहीं करती, चाहे वह ग्रहों की हो, चाहे वो टीवी कंप्यूटर की हो, चाहे काले जादू की हो या कोई मौसम की हो। हमारी जितनी भी मौत है, बीमारियां है, संबंध है, अच्छी बुरी घटनाओं का आगमन है, समृद्धि है, गरीबी है, हमारे सारे सुख दुख, हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं, हमारे विचार और मानसिक खुलापन या अवरोध या हमारे ज्ञान या अज्ञानता पर निर्भर है। आपका पूर्व जन्म निर्धारित करता है आपका वर्तमान भाग्य। जी हाँ दोस्तों, आज आपका जो भी भाग्य बना है उसमें आपके पूर्व जन्म का बहुत बड़ा रोल है। आज का भाग्य कल के जीवन की देन है। ग्रहों के प्रभाव वातावरण और मौसम को हल्का या भारी करते हैं। कभी सकारात्मक किरणों का प्रभाव बढ़ जाता है तो कभी नकारात्मक किरणों का प्रभाव। अगर आपकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताएं आपने गलत धारणाओं और आहार विहार से कमजोर कर दी हैं तो आप निश्चय ही इससे प्रभावित होते हैं। मानसिक क्षमताओं में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रतिरोध न कर पाने के कारण कमी आने लगती है, जिससे हम गलत निर्णय लेने लगते हैं। वैचारिक शक्ति हमारी कमजोर हो जाती है, भयग्रस्त हो जाते हैं, दूसरों के विचार एवं सुझावों से ज़्यादा प्रभावित होने लगते हैं। बस यहाँ से शुरू होती है आपकी भाग्यवादिता। आप अपनी जीवन पद्धति, गलत धारणाओं को जिम्मेदार मानने के बजाय, इनको सुधार कर सकारात्मक मजबूत बनने के बजाय, आप शनि मंगल जैसे ग्रहों को दोष देने लग जाते हैं और ज्योतिष गणना के अनुसार उस समय किसी न किसी ग्रह से कम ज़्यादा प्रभाव वातावरण में पड़ ही रहे होते हैं। क्या हम ग्रहों के इन प्रभावों से बच सकते हैं? हम सभी जानते हैं कि जब हम कमज़ोर होते हैं तो गर्मी, सर्दी, बरसात, कोलाहल, हल्की आवाज़ें भी हमें सहन नहीं होती। जब हम मजबूत होते हैं तो गर्मी सर्दी को भी लंबे समय तक झेल लेते हैं। अगर आप प्राकृतिक आहार विहार, योग, ध्यान, रेकी, तनाव रहित जीवन से या सकारात्मक धारणाओं से अपने आप को सशक्त या मजबूत बनाते हैं तो ग्रहों के कोई भी प्रभाव आपको कभी विचलित नहीं करते। आपको पता भी नहीं चलता कि कौन सा ग्रह कब आया और कब गया, कौन सा मौसम कब आया कब गया, क्योंकि आपके अपने शरीर मन में कोई परिवर्तन नहीं आता। आप मौसम की मार, ग्रहों के प्रभाव से सचमुच बच सकते हैं। जैसे ही आप अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा अपनी जीवन पद्धति एवं विचारों को सकारात्मक बनाते हैं, आपका अवचेतन मन बनाता है आपका भाग्य। जी हाँ दोस्तों, आपका अवचेतन मन बनाता है आपका भाग्य। इस संसार में आपको कोई लेता देता नहीं है, आप ही आकर्षित करते हैं हर पल सौभाग्य या नहीं तो दुर्भाग्य। हमने बदला है अपना भाग्य तो फिर आप क्यों नहीं? जब तक मैं अनजान था, मैं अज्ञानी था, मैं भी औरों की तरह अपने भाग्य को कोसता था और अपनी हर असफलता का ठीकरा भाग्य के सिर पर फोड़ता था। प्रकृति के नियम, अचेतन मन के खेल, सूक्ष्म तरंगों के विज्ञान को गहराई से समझने के बाद अपने भाग्य की डोर अपने हाथों में ले ली और वैसा ही जीवन बनाया जैसा जीवन मैं चाहता था। अपना मार्ग मैंने स्वयं चुना। मेरे पिता चाहते थे मैं पंडित बनूं और पूजा पाठ ज्योतिष का धंधा करूं, परंतु मेरी इसमें रुचि नहीं थी। मैंने विरोध और विद्रोह के द्वारा वो मार्ग चुना जो मेरी आत्मा के स्वभाव के अनुकूल था। इसी विरोध और विद्रोह के कारण आज मैं 40 साल से अपने स्वभाव में जीकर हर पल आनंदित हूँ। हर व्यक्ति को अपने जीवन का निर्णय स्वयं लेना चाहिए। मैंने दूसरों की धारणाओं को, विचारों को, सुझावों को आदर दिया, लेकिन जरा सा भी महत्व नहीं दिया। हमेशा अपनी आत्मा की आवाज़ को सुना, अपने स्वभाव को महत्व दिया। दूसरों को या माता पिता को खुश करने के लिए मैंने अपने स्वभाव, गुण या धर्म की कभी हत्या नहीं की। अपना जीवन साथी स्वयं चुना। सचमुच में ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति जात पात और ऊंच नीच में जरा भी यकीन नहीं करेगा। मैंने भी नहीं किया। मैंने जीवन साथी वही चुना जो मेरे जीवन, विचारों, कार्यों के अनुकूल था। इसलिए आज मेरा दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखी है। इसका मतलब स्वार्थी हो जाना नहीं है। इसका अर्थ है कि अपने जीवन की बेहतरी का निर्णय आपसे बढ़कर और कोई नहीं ले सकता। आपको अपने जीवन का मालिक बनना ही चाहिए। दूसरों से आपका जीवन कभी संचालित नहीं होना चाहिए। सफलता के लिए मैंने विशेषज्ञता हासिल की। समृद्धि पर सबका एक सा हक है। समृद्ध होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। गरीबी सबसे बड़ा और अव्वल दर्जे का पाप है।
समृद्धि के अचूम नियम होते हैं। इसी अवधारणा के साथ समृद्धि पाने के लिए मैंने अपने अंदर एक विशेष ज्ञान कला की पूरी महारत हासिल की, अपने क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ बना। हर क्षेत्र में हम एक अच्छे विशेषज्ञ की खोज कर रहे होते हैं। हर व्यक्ति अच्छा वकील, अच्छा डॉक्टर, अच्छा मैकेनिक ढूंढ रहा होता है। आप अपने क्षेत्र के अच्छे विशेषज्ञ बन जाइए, लोग आपको ढूंढ लेंगे। और ऐसा ही हुआ, लोगों ने हमें खोज लिया। हम भी पूरी ईमानदारी, मेहनत, सद्भाव, क्वालिटी के साथ उनकी खोज को सार्थक कर रहे हैं। यही हमारी भी सफलता का राज है और यही भाग्य का नियम भी है। जीवन से बीमारी शब्द मैंने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। दोस्तों, ये बहुत अद्भुत बात है कि हमारे जीवन में बीमारी शब्द तक नहीं है। प्रकृति के नियमों से जब तक हम अनजान थे, हम बीमार पड़ते रहे। आज उनके अटूट नियमों को अपनाने के बाद 40 सालों से हमारे परिवार में बीमारी नामक शब्द ही नहीं है, न मुझको, न मेरी पत्नी डॉक्टर सविता को, न मेरे बच्चे आनंद को और न मेरी लड़की तृप्ति को। क्या ये हमारा भाग्य ईश्वर ने लिखा था या हमने अपने आप बनाया? क्या सारे शनि मंगल नव ग्रहों के प्रभाव हमारे लिए बेकार नहीं हो गए? हम आज जीवन में वही आकर्षित कर रहे हैं जो हम मानते हैं और चाहते हैं। सशक्त पारिवारिक प्रेम। जी हाँ दोस्तों, जीवन के सत्य और प्रकृति के नियम जान लेने के बाद आज हम अपने दाम्पत्य जीवन में अपने बच्चों के साथ, अपने स्टाफ के साथ 100% हमारी सौहार्दता है, प्रेम है, आदर है। क्योंकि हम हर व्यक्तित्व का पूरा सम्मान करते हैं। हर एक के आहार, विचार, आदतें, पसंद, नापसंद का हम आदर करते हैं। और फिर विरोध कहाँ, असामंजस्यता कहाँ? कैसे पलट गया हमारा भाग्य अपने संबंधों के मामले में? ये संभव हुआ हमारे जागृति के द्वारा। आत्म जागृति ही सूत्र है भाग्य पलटने का। जी हाँ दोस्तों, आत्म जागृति ही सूत्र है आपके भाग्य पलटने का। अचेतन मन को हमने अपने हाथों में लिया। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। जब तक हम अचेतन मन की असीम शक्तियों के बारे में परिचय नहीं था, हम अनजाने में अपने जीवन में कई गलत, कई सही व्यक्ति, परिस्थितियों को आकर्षित करते रहते थे। जब से इसकी अद्भुत क्षमताओं को जाना, तब से हम जो चाहें, जैसा चाहें, वैसी परिस्थिति, वैसे व्यक्तियों को हमारे जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। क्योंकि यह तरंगों का विज्ञान है। इसको न जानने के कारण हम सब भाग्य पर छोड़ देते थे। आज हमारे लाखों विद्यार्थी स्वयं अपने भाग्य विधाता है। क्योंकि भाग्य कुदरत के नियमों का प्रतिफल है, ईश्वर का हस्तक्षेप नहीं। रेखी और अचेतन मन बदल सकते हैं आपका भाग्य जैसा आप चाहें। रेखी यानी प्रकृति के अदृश्य रहस्यों का विज्ञान, एक ऐसा प्रकाश जो हर अंधेरे को नष्ट कर सकता है। रेखी एक सकारात्मक ऊर्जा है जो प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रही हर नकारात्मक ऊर्जा के विरोध में खड़ी की जा सकती है। अगर आपके जीवन में कुछ भी नकारात्मक घट रहा है, तो आप ठीक उसके विपरीत रेखी द्वारा एक शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा की दीवार खड़ी कर सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा के फोर्स को पूरी तरह ध्वस्त कर सकते हैं, या नहीं तो कमजोर कर सकते हैं, और या नहीं तो रोक अवश्य सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। रेखी का अर्थ है जिस विशेष ऊर्जा की आपके जीवन में कमी है, उस ऊर्जा को बना देना, उस ऊर्जा को अपने जीवन में पैदा कर देना, उस ऊर्जा की रचना कर देना। इस तरह हम अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। और हमारा अचेतन मन, हमारे विचार, हमारे भाव, हमारे विश्वास, हमारी धारणाओं के आधार पर हमारे जीवन को कमजोर, दुखी या अत्यंत शक्तिशाली, असंभव कार्य करने योग्य बना सकता है। आज हम अपने अचेतन मन के प्रतिफल हैं। आप जैसी प्रोग्रामिंग जाने अनजाने करते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं और अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हैं। अचेतन मन के विज्ञान की गहराइयों को, नियमों को समझकर हम जैसा चाहें अपने स्वभाव, आदतें, शक्तियां, परिस्थितियां अपने भीतर पैदा कर सकते हैं। वर्तमान भाग्य के विपरीत जाकर जैसा भाग्य हम चाहते हैं उसका निर्माण कर सकते हैं।
दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि ग्रहों का प्रभाव के कारण हम दुखी हैं या हमारा भाग्य दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है। दोस्तों, ये सब बड़ा झूठ है। ग्रह शांत होते हैं, ये सबसे बड़ा सफेद झूठ है। पंडित, ज्योतिष, साधु, महात्माओं जैसे लोगों के इस कथन पर हंसी आती है कि नवग्रहों को शांत किया जा सकता है। जैसे नवग्रहों को जैसे गुस्सा आता है, जैसे कोई व्यक्ति है जो आपके मनाने से, आपके टोने टोटकों से खुश होकर शांत हो जाएगा। नवग्रहों की शांति के नाम पर पंडितों और ज्योतिषों ने समाज को खूब लूटा, भयभीत किया और आज तक यही जारी है। जैसे कि पंडित ज्योतिष नवग्रहों के एजेंट हैं, वे इनके दोस्त हैं, जैसा वे चाहें वह ग्रह उनकी बात मानते हैं। जिस तरह सरकारी दफ्तरों में जितनी ज़्यादा रिश्वत दी जाती है उनका काम उतना ही शीघ्रता से निपटता है, उसी तरह अच्छी रकम पंडितों पर लुटाने पर शनि मंगल भी शीघ्र शांत हो जाते हैं। ग्रहों की लगाम पंडितों के हाथ में होती है, ये जैसा चाहे उन्हें नचा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इसी भ्रम में अभी भी जीना चाहोगे और कब तक उलझे रहोगे ऐसे बचकाने भ्रम में? कैसे घटता है ये सब कुछ, आइए जानें। नवग्रह न तो प्रसन्न होते हैं न शांत होते हैं, ये सिर्फ हमारी अपनी फालतू की सोच है या मूर्खतापूर्ण सोच है। हाँ, जब आप पर कोई कष्ट आया हुआ होता है, आप जब परेशान होते हो, तब कोई पंडित आपसे ग्रह शांत करने के लिए पैसे लेता है तो आप सबसे पहले थोड़े निर्भय और आश्वस्त होते हैं कि चलो कोई रास्ता तो है। इससे आपके आभा मंडल में निर्भयता एवं आशा की किरण के कारण विकास होता है। आप शिथिल हो जाते हैं, आप मंदिर जाने लग जाते हैं, पूजा पाठ जप प्रार्थनाएं करने लग जाते हैं, दान पुण्य यज्ञ करने लग जाते हैं, कुछ न कुछ टोटके करने लग जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, व्रत लेते हैं। इन सारे पॉजिटिव कार्यों से आपको जो शांति, रिलैक्सेशन, निर्भयता, आशा की किरण मिलती है, उससे हमारे आभा मंडल विकसित होकर हर नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिरोध करता है। हमारे अचेतन मन को यही प्रोग्रामिंग होने लगती है कि अब आपका काम किसी न किसी तरह से जरूर होने वाला है, अब कष्ट टल जाएगा। तो मूल शक्ति के जो स्तोत्र हैं वो तो आप हैं। आप जितने आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, भयों से मुक्त होते हैं, परमात्मा पे अटूट श्रद्धा रखते हैं, कृतज्ञता प्रार्थना पूर्वक जी रहे होते हैं, दान दया धर्म जैसे सकारात्मक काम करते हैं, तो अपने आप सारे शनि मंगल जैसे नवग्रहों के प्रभाव आपसे हमेशा दूर रहते हैं। हमारे ही डर, हमारे ही विश्वास बंधाते हैं आस या करते हैं निराश। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कौन बनाता है आपका भाग्य। अब सब कुछ आपके हाथ में है, जाइए जैसा भाग्य आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे जीवन भर रोग ना हो और मैं पूर्ण दीर्घायु को प्राप्त करूं, तो वो दोस्त वो आपके हाथों में हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस संसार में मैं भी समृद्धि की ऊंचाइयों को प्राप्त करूं, तो दोस्तों आपको गरीबी के नियम अपने जीवन से हटाने पड़ेंगे, उन मान्यताओं को बदलना पड़ेगा, तो आप भी चाहे जितना अमीर बन सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में परम आनंद और उत्सव रहे, तो दोस्तों दुखी होने के जो नियम आपने अनजाने में जो अपना लिए हैं, उनसे मुक्ति पाने की कोशिश करें, तो फिर सिर्फ जो बचेगा वो केवल आनंद, आनंद और आनंद। दोस्तों, मैं अब आपसे विदा लेता हूं, और अगर आपको लगा कि ये हमारा वीडियो और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो ज़रूर अपने दोस्तों, मित्रों में, परिवारों में इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों की भी आंखें खुलें। और मैं फिर आपके सामने दोबारा आऊँगा अगला वीडियो लेकर, एक नए विषय के साथ, आपकी एक और आंख खोलने के लिए। मुझे प्यार से सुनने के लिए दोस्तों मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं फिर आपसे बहुत शीघ्र मुलाकात करूँगा। अपनी शक्तियों को पहचान, उठो जागो हे इंसान, अपनी शक्तियों को पहचान। ईश्वर ने बख्शी है तुम में
बिल्कुल अपनी जैसी शान। Reiki and your mind power, Reiki and your mind power.